अमल का रद्द फिर एक अमल होता है ये डिस्ट्रक्शन क्या है डिस्ट्रक्शन ये है कि आपने एक आइडिया लिया और उस आइडिया के बाद आपने उसके ऊपर मज़ीद था प्रोसेस किया यानी फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा का जिक्र है स्टीव जॉब साहब जो हैं वो बैठे हुए थे और उन्होंने कभी भी ये वॉक और ये बाकी चीज़ें नहीं देखी और ही वॉज नवर बीन टू आइडिया कि ये होती क्या है उनकी साहबजादी जो है वो वॉक करती हुई या रनिंग करती हुई आई उन्होंने कहा वो दिस प्रोडक्ट ये है क्या अच्छा उन्होंने कहा ये वॉक मैन है इसके अंदर आठ सेल्स लगते हैं और ये जो है वो आपको आठ गाने देते हैं ए साइड और बी साइड उन्होंने कहा इसका क्या सिस्टम है अच्छा अब एक ऐसा आदमी जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के अंदर किस तरह से उसको देख रहा है वो ये देख रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उन्होंने कहा उन्होंने कहा दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग इनोवेशन ऑफ दिस सेंचुरी दिस वॉक उन्होंने कहा अगर ये जो वॉकमेन आप बता रही हो इसके अंदर आठ सेल लगने हैं और इसका साइज भी काफ़ी सारा बड़ा है और तुम सिर्फ आठ गाने सुन रही हो वट इफ इट वुड हैव लाइक आपके पास एक आ, ऐसी प्रोडक्ट हो जो बहुत छोटी हो और आपके आ, 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 जो कान पे लगे हो और तकरीबन आप म्यूज़िक लाइब्रेरी का नाम आप उसे दें और आपको तकरीबन दस हज़ार प्लस गाने या हज़ार प्लस दो हज़ार प्लस इस तरह हज़ारों में आपको गाने मिले या सॉन्ग्स मिले या जो भी आप सुन उसने कहा कि वाले साहब जो हैं वो अभी अभी सी शिप से तीसरी दफ़ा निकाले गए जो कि आपने स्टीव जॉब है अपने टेन्योर के अंदर चार दफ़ा सी शिप से उनको साइड लाइन किया गया लेकिन बाहर हाल क्योंकि इनोवेशन की ज़रूरत इनोवेटर ही की होती है तो फिर इनोवेशन ख़त्म होना शुरू हो गई फिर स्टीव जॉब वापस आ जाती खैर उन्होंने कहा कि वाले साहब को लगता है गहरे सदमे में लेकिन आइडिया उनको समझ में नहीं आया लेकिन दो के अंदर जो स्टीव जॉब है एक नए आइडिया के साथ आए और स्टीव जॉब ने आईपॉड पूरी मार्केट के सामने रख दिया और वो एक ऐसा मेगा आइडिया बना जिसको मार्केट उसके लिए एक नया क्रेज या अ अ क्रेज फॉर मार्केट बन गया सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आप कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और वो पिछला आइडिया ऑब्सिलीट हो जाता है जब तक पिछला आइडिया ऑब्सिलीट नहीं हुआ इसका मतलब है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम अब आपको आइडिया समझ में आ गया यानी फॉर एग्जाम्पल डिस्क ऑप्सिलीट हो गई अब आपने कभी नाम सुना है या फॉर एग्जाम्पल हम अपनी टीम को कहेंगे या आपको मैं कहूँ कि कल से आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो फ्लॉपी डिस्क में लेकर आई तो आपकी कंप्यूटर के अंदर ऑप्शन ही नहीं होगी उसकी फ्लॉपी कुछ अरसे के अंदर आपका जो अभी यूएस पीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी कुछ एक टाइम आएगा कि वो ऑप्सीट हो जाएंगे तो अब आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप आपके मोबाइल के साथ हो जाता है वी चैट आ गए वी चैट से शेयरिंग आ गई कंप्यूटर को आप स्कैन करें कोड स्कैन हो जाता है स्कैनिंग के बाद जो है वो मामला चेंज होते जा रहे हैं अच्छा क्रिएटिव डिस्ट्रेक्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से बढ़ती रहती हैं और आपके जो है वो आइडियाज़ इम्प्रूव होते हैं आइडियाज इंप्रूव होने के बाद प्रोडक्ट ऑफ सिलीट हो जाती हैं और ऑप्सिलीट होने का मकसद ये कि आज जो बड़ा वीडियो कैमरा होता था वो ख़त्म हो गया अब आपने देखा कि आपका एक मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर आपके सारे ही चीज़ें उसके अंदर मुकम्मल हो जाती हैं और भी गैजेट्स आ रहे हैं ऐसे ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके जो कॉम्पैक्ट चीज़ें हर चीज आपको उसी में अवेलेबल होगी तो यहाँ पर जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का आइडिया कंप्यूटर साहब यहाँ क्या कहते हैं वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन लिंक्स क्लोजली विद हिज व्यू ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डायनिज्म इकोनॉमिक डायनाजम के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है जी मोनोपोली तोड़ता है ओलिगोपोली तोड़ता है डोपली तोड़ता है सबसे बड़ी बात यह है कि एक चेन ऑफ कमांड को तब्दील भी करता है चेन ऑफ कमांड को इंप्रूव भी करता है पहली इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि किसी की चीज डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही नहीं है कि आप क्यों डिस्ट्रक्ट करके रख देना उसके अंदर किसी भी चीज रिएटेड डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपने इंप्रूवमेंट लेके आए ऑन द वे टू इंप्रूव समथिंग क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है मैनेजेरियल क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है इनोवेशन आ सकती हैं डिजाइन आ सकते हैं आपने कार्स में देखा होगा

अब इंपॉर्टेंट तरीन बात इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लीजिए वो ये कि जब तक मैं किसी भी इनोवेशन के साथ अपनी कोई भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आपके सामने पेश करता हूं उसको मैं इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस में कन्वर्ट नहीं करता इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस अगेन मैं किसी मार्जिनल प्रॉफिट के साथ आपको नहीं देता यानी उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं देता बेनिफिट नहीं देता रिवॉर्ड नहीं देता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स नहीं देता तो वो क्रिएटिविटी आपकी किसी काम की नहीं ना मार्केट को बेचने वाले के लिए ना मार्केट को खरीदने वाले दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन फॉर द एंटरप्रेन्योर थैंक यू वेरी मच विल मीट इन नेक्स्ट मॉडल